साथियों, विकास की एक और जरूरी शर्त है पानी, और इसलिए जल संरक्षण और जल संचयन के लिए पूरे देश को एकजुट होकर के खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। हमारे सामने पानी की उपलब्धता से भी अधिक पानी की फिजूल खर्ची और बर्बादी बहुत बड़ी समस्या है, लिहाजा घर में उपयोग हो या फिर सिंचाई में पानी की बर्बादी को रोकना आवश्यक है। इसके लिए माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देना, रिहायशी कॉलोनी से निकले पानी को ट्रीट करके सिंचाई के लिए उपयोग करना, या फिर घर में ही पानी की रिसाइकलिंग जैसे अनेक उपाय पर आगे हम सबको मिलकर के काम करना है। घर हो, किसान हो, उद्योग हो, हर कोई जब पानी का सदुपयोग करता है तो उससे पानी के साथ साथ बिजली की भी बचत होती है। साथियों, पानी के संरक्षण और संचयन के साथ साथ घर घर पानी पहुंचाना भी जरूरी है। देश के हर घर को जल, कभी शौचालय के लिए सोचा, कभी आवास के लिए लगे, कभी स्वच्छता के लिए लगे, अब सपना लेकर के निकले हैं हर घर को जल। देश के हर घर को जल मिल सके इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय हमने निर्मित किया है, अलग मंत्री बनाए हैं, और पूरा डेडिकेटेड, पूरी सरकार संकलित रूप से पानी पे काम करना शुरू किया है। जल शक्ति अभियान भी शुरू किया गया है। इसका बहुत बड़ा लाभ, सबसे पहले सबसे बड़ा लाभ होगा हमारी माताओं बहनों को मिलेगा, जो पानी जुटाने के लिए अनेक कष्ट उठाती है। अब बजट में राष्ट्रीय स्तर पर जल ग्रिड बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया है। मुझे विश्वास है कि इस प्रकार की व्यवस्था से देश के हर उस क्षेत्र को पर्याप्त जल मिल पाएगा जिसको पानी के अभाव का सामना करना पड़ता है।